अब ये महाराष्ट्र रोडवेज की बस जा रही है, तो ओवरऑल मैंने देखा इनकी जो हालत है वो खस्ता ही है, कोई ज़्यादा बढ़िया बसें मुझे नज़र नहीं आई हैं रोडवेज की जो है। सामने देखिए ये राजस्थान का ट्रक है, ये पत्थर लेके आया है, इसे मार्बल पत्थर है, कहाँ से ये चला होगा और कहाँ पहुँच गया है। अब ये तो बहुत ही मुश्किल वाली स्थिति होती है, आगे पुलिस की गाड़ी जा रही है, सिंगल रोड है, रास्ते में जो खड्डे कहते हैं ना, नहीं है, खड्डों में रास्ता है। एक ही गांव में मुझे तीनों दिख गए। तो जो सिंबोलिज्म यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा, हर गांव में, और इसकी वजह पॉलिटिकल भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है। लो जी, हमारा आगे का सफ़र जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। समय 9:23 है और हम जो नांदेड़ सिटी से बाहर निकल रहे हैं। इसके बाद हम जाएंगे बिदर की ओर। तो यहाँ से जो बिदर का रास्ता है उसकी दूरी जो बता रहा है गूगल, वो 170 किलोमीटर है और लगभग 4:10 के करीब टाइम बता रहा है। हम बीच में एक स्टॉप करेंगे और उसके बाद फिर आगे बिदर जाएंगे। तो आगे रास्ते का हाल आपको जो है वो दिखाते रहेंगे, अभी तो शहर के अंदर है। अब ये महाराष्ट्र रोडवेज की बस जा रही है, तो ओवरऑल मैंने देखा इनकी जो हालत है वो खस्ता ही है, कोई ज़्यादा बढ़िया बसें मुझे नज़र नहीं आई हैं रोडवेज की जो है। अगर हम बात करूँ हरियाणा रोडवेज या राजस्थान रोडवेज जैसे, उनकी बसें होती हैं बहुत ही बेहतरीन शानदार बसें होती हैं। और पंजाब रोडवेज भी कुछ समय से काफ़ी अच्छी हो चुकी है, कुछ सालों से पहले वो भी 3 डिब्बों की जैसे हालत थी। तो यहाँ भी जो ज़्यादातर रोडवेज की बसें हैं वो जितनी रास्ते में देखी हैं उनकी हालत थोड़ी जो खस्ता ही नज़र आई है, हो सकता है वो लोकल वाली हों। मैं नेशनल हाईवे भी मैंने जो बसें देखी हैं वो भी बहुत शानदार बसें मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आई हैं। स्पीड ब्रेकर आ जाते एकदम से खड़ी है, ये भी अपने दिन पूरे कर रही है। एक वो सामने आ रही है, मैं जस्ट देख रहा था कहीं मैं छोटी मोटी 2-4 चीज़ें देखकर ही बाइक तो नहीं होगा, ये भी हालत इसकी भी ऐसी है, क्योंकि अलग अलग डिपो होते हैं, उनकी बसें अलग अलग होती हैं, कहीं और की बसें अच्छी भी हो सकती हैं, देखेंगे तो बता देंगे। टोल टोल टोल, फिर आ गया जी टोल। छोटी बैलगाड़ी है, फिर वही ब्राउन वाले बैल। ये गाड़ी आप देखिए, इसके जो चक्के हैं वो लकड़ी के हैं। पहले जो घोड़े वाली गाड़ी रहती थी, तांगा बोलते जिसको, बसंती वाला तांगा, उसके चक्के भी जो है वो लकड़ी के रहते थे, इसके भी लकड़ी के हैं। यहाँ पे कुछ लोहे वाले भी मैंने देखे हैं। पंजाब हरियाणा के जो इनको गड्ढा बोलते हैं बैलगाड़ी को, क्योंकि काफ़ी बड़ा रहता है, ये तो बहुत छोटी है। ये जो लकड़ी के टायर वाले जो, या फिर लोहे के टायर वाले जो बैलगाड़ियाँ हैं कभी, वो अब एक तरह से म्यूजियम में जा चुकी हैं बहुत बहुत साल पहले। मतलब जहाँ तक मुझे अच्छे से कोई याद नहीं है मैंने इस तरह की बैलगाड़ी की कोई सवारी करी हो। जो बचपन है वो सारा गांव में ही निकला है, वहीं पले बड़े। लेकिन दूसरा बड़े बड़ा गड्ढा कहते हैं, मैं फ़ोटो डालूँगा गड्ढे की यहाँ, वो आज भी मिल जाता है, लेकिन उसका साइज़ बहुत बड़ा रहता है, डिफरेंस होता है। आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं अलग अलग तरह की। जब मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं वो तो अब एक जैसा ही हो चुका है, कोई मॉडर्न चीज़ जो बनेगी, आप देश के किसी कोने में चल जाएं आपको बिग बाज़ार है, मॉडर्न चीज़ है एक तरह से, वो एक जैसी मिल जाएगी, सिर्फ लोग अलग अलग होंगे, अलग अलग भाषा बोलेंगे। मॉडर्नाइजेशन जो है वो
ना जो लोकल फ्लेवर होता है किसी भी जगह का, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर देती है, जो मुझे महसूस होता है। और डिफरेंशिएट नहीं कर पाते आप, जो इंडिया की जो खूबसूरती यही है कि हर स्टेट का या जिला टू जिला भाषा बदल जाती है, स्टेट की तो बात ही अलग है। भारत की ये डाइवर्सिटी जो इसकी खूबसूरती है, इसको एक ही रंग में रंगने की जो कोशिशें हैं, जहाँ मतलब वो बर्बाद कर देंगी अगर वन नेशन वन वाले जो फतूर है बहुत सारी चीज़ों में, वो अगर कल्चर में भी आगे किसी का विचार रखता है कि एक ही कल्चर होना चाहिए, एक ही भाषा होनी चाहिए, एक ही तरह का खाना होना चाहिए, तो फिर हो सकता है कोई और देश होगा वो, लेकिन वो भारत नहीं बचेगा वो, अगर ऐसा होता है कभी आकर आगे। अभी ये एक नेशनल हाईवे है और शायद 161 गूगल ने बोला था, याद नहीं है, और ये सिंगल हो चुका है। मैं जो उम्मीद से आया था कि ये शायद डबल होगा, काफ़ जब मैं मैप पे देख रहा था तो डबल नज़र आ रहा था, हो सकता है आगे आके डबल हो जाए बीच में, लेकिन थोड़ा सिंगल आ गया है। अब ये तो बहुत ही मुश्किल वाली स्थिति होती है, आगे पुलिस की गाड़ी जा रही है, सिंगल रोड है, मुझे पता है कि मैं इसको क्रॉस कर सकता हूँ और आगे स्पीड भी ले सकता हूँ, खाली है रोड, लेकिन ये जो दुविधा है क्या करूँ, इनके पीछे चलूँ या इनको क्रॉस करूँ, ये तो एक नई किस्म की कह लो सिचुएशन पैदा हो गई है। कोई पुलिस ऑफिसर है महाराष्ट्र का, अगर मैं ओवरटेक करके जाऊं और थोड़ी स्पीड लूं, कहीं आगे फ़ोन करके रुकवाई ना दे मुझे, ओवर स्पीडिंग वाला मामला ना बन जाए, और ये तो मामला गड़बड़ हो गया। इसको थोड़ा क्रॉस करता हूं, धीरे धीरे निकलता हूं आगे, और ट्रक आ रहा है फिर ओवरटेक करता हूं। यार यार चलिए देखते हैं करके क्या बनता है। ये महिंद्रा की बलेरो, पुलिस को जो गाड़ियां मिली हैं हर स्टेट में जो हैं वो बलेरो और स्कॉर्पियो मिल चुकी हैं, जैसे जगह पे इनको जाना पड़ता है, जैसे इनकी ज़रूरतें रहती हैं उसके हिसाब से ये गाड़ियां इनके लिए परफेक्टली सूटेबल हैं, पुलिस के काम के लिए बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पे न्यूयॉर्क या किसी और बड़े शहर की तरह जो कारें होती हैं उनसे काम नहीं चल सकता, तो ये बलेरो वगैरह की गाड़ी जो है ये सही है इनके लिए। अब देखें बाईं तरफ आप, तो यहाँ जो मिट्टी है वो किस तरह काले रंग की है, कि शाह काली मिट्टी है, और ये बहुत बेहतर होती है कपास की खेती के लिए, इसलिए महाराष्ट्र का बहुत सारा एरिया है जहाँ पर ये काली मिट्टी पाई जाती है खेतों में, वहाँ पे कपास की खेती बहुत होती है, ये बहुत ही उम्दा मानी जाती है कपास की खेती के लिए। सामने देखिए ये राजस्थान का ट्रक है, ये पत्थर लेके आया है, इसमें मार्बल पत्थर है, कहाँ से ये चला होगा और कहाँ पहुँच गया है, यहाँ से भी कहीं बहुत आगे तक ये जाते होंगे। तो यही लोग हैं जो मैंने इससे पहले भी किसी वीडियो में बताया था कि ये लोग आपके घर जो सामान है, आप किसी सामान को देखो जो कहीं दूर से आया है, इन्हीं लोगों की मेहरबानी से वो पहुँचता है हमारे शहरों में घरों में। दोस्तों एक स्टॉप के बाद हम आगे जा रहे हैं, ये हमने स्टॉप लिया था रास्ते में, एक गुरुद्वारा साहब बने हुए हैं, तो छोटे से अब जाते थे गुरु गोविंद सिंह जी के और उनकी याद में, वहाँ रुकने के बाद अब हम विदर के लिए जो है रवाना हो चुके हैं। गूगल के हिसाब से यहाँ से 97 किलोमीटर के करीब है, और जो गूगल कह रहा है वो 2-2.5 घंटे का टाइम कह रहा है, अब पता नहीं वो रास्ते का कोई चक्कर होगा, रास्ते कंडीशन क्या है उस हिसाब से अपना कैलकुलेट किया होगा। समय हो चुका है जी 11:20,
और हम देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। निकलते ही जो है वो टोल है एक, यहाँ देखिए बाइक वाला कैसे बाइक चला रहा है टैंकी के ऊपर बैठकर। ये इसका कोई स्टंट या स्टाइल नहीं है, लग रहा है इसके पीछे वाला जो टायर है बाइक का वो पंचर हो गया है, तो ये वजन आगे डालकर चला रहा है ताकि टायर जो है वो ख़राब ना हो रोड के ऊपर और जाके आगे पंचर लगवा ले। यहाँ से एक रास्ता लातूर की तरफ चला गया और सामने का बिदर की तरफ है, ये तो बिल्कुल ही सिंगल रोड हो गया है, अभी तो अच्छा नहीं है, आगे चल के देखते हैं क्या है। तो ऐसा लग रहा है कि जो अपने गांव वाले रोड रहते हैं ये वैसा रोड है, लेकिन ये इंटरस्टेट चलता है, कंडीशन ठीक ठाक है, चौड़ाई काफ़ी कम है। मैप के हिसाब से तो कर्नाटका जो बॉर्डर यहाँ से 15-20 किलोमीटर होगा। जो गाड़ियाँ हैं कर्नाटका नंबर की वो नज़र आनी शुरू हो गई हैं। इस तरह से जब भी हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं तो दोनों तरफ का जो एरिया होता है वो काफ़ी मिक्स होता है, लोगों की भाषा हो या फिर पहरावा हो खाना हो वो इतना डिफरेंशिएट नहीं करता है जितना कि अब हम डीप में जाते हैं किसी स्टेट में, वहाँ पे जो हमें टिपिकल उस स्टेट के ट्रेड्स हैं या खाना है पहरावा है वो देखने को मिलता है। फिर रास्ता जो है कैसा आ गया है, मैंने एक चीज़ देखी, भैंस के जो सींग रहते हैं उनको नीला रंग कर रखा है, वो काफ़ी चौड़े वगैरह भी रहते हैं। पंजाब और हरियाणा में खासतौर भैंस के जो सींग होते हैं वो गोल होते हैं, वो फैले हुए नहीं होते, वहाँ पे इस को भैंस की सुंदरता के साथ जोड़कर देखा जाता है, जितना सींग गोल होगा एक स्पायरल की तरह उसको सुंदर माना जाता है। यहाँ पे जो भैंसें इनके सिंग हैं वो फैले हुए हैं, जैसे पहाड़ी भैंस होती है उसके सिंग भी ऐसे होते हैं। और दूसरी बात जो डिफरेंट है, यहाँ उनको कलर ब्लू कर रखा है। और मुझे याद है दिवाली, जब दिवाली का दिन होता है तो जो भैंस के सिंग होते थे हम उनको गेरुआ कलर करते थे, एक तरह से उनको सजाने के लिए गेरू मिलता था, एक जैसे पेंट कह लीजिए एक मिट्टी का डले की तरह था, उसी को पानी में घोलकर भैंसों के सिंग पर लगाया करते थे। यहाँ पे वो देखा लोगों ने ब्लू कर रखा है। लो जी हम अभी कर्नाटका में एंटर कर चुके हैं और महाराष्ट्र रह गया पीछे। यहाँ पे मैंने देखा कुछ गाड़ियों का नंबर जो है वो महाराष्ट्र का भी है, कर्नाटका का भी है और TS की भी दिख जाती हैं, मैं ना गैस कर रहा हूँ शायद तेलंगाना होगा, और बीच में कहीं ना कहीं पे AP भी दिखता है, आंध्रा गाड़ियाँ भी दिख जाती हैं। तो ये ऐसा एरिया है जहाँ पे आंध्र प्रदेश का जो बॉर्डर है वो भी ज़्यादा दूर नहीं है और कर्नाटका और महाराष्ट्र का बॉर्डर तो है ही, तो इसलिए सारी स्टेट्स इन स्टेट्स की गाड़ियाँ यहाँ दिख जाती हैं। यहाँ पर जो रास्ता है वो रास्ते में वो खड्डे कहते हैं ना, खड नहीं है, खड्डों में रास्ता है। अरे बहुत ही भयंकर तरीके से ये रास्ता ख़राब है और समय की बर्बादी यहीं होने वाली है। चलो 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 भाई चलो, अबे इसको थोड़ा गाड़ी को आगे जाने देते हैं ताकि मैं भी जज कर पाऊँ कहाँ खड्डा है कहाँ नहीं है। बिल्कुल अगर आप खड्डे वाली जगह पे गाड़ी के साथ सट के चलोगे तो आपको जज करने का टाइम नहीं मिलेगा और आप बार बार जो आपकी गाड़ी का टायर है वो खड्डों में जाएगा।
तो इसलिए सामने वाले को दूर थोड़ा जाने देते हैं। अब कंफर्टेबल है। लगभग बिदर से 50 किलोमीटर दूर ये कर्नाटका का एरिया है। इसमें जो इस हाईवे को नया बनाया गया है, पीछे भी काम काफ़ी चल रहा है। मैंने चीज़ देखी है, हर गांव के बाहर किसी न किसी हस्ती की जो है वो या तो मूर्ति लगी है, चाहे एक फ्लैग लगा हुआ उस पर उस फोटो है, चाहे पीछे शिवाजी महाराज की फ़ोटो थी, उससे पहले भी एक किसी राजा की फ़ोटो है, वो मैं पहचान नहीं पाया। यहाँ पर भी एक झंडा, भीमराव अम्बेडकर उनका झंडा लगा हुआ है। आगे एक और झंडा लगा हुआ है ये, और साथ में भीमराव अम्बेडकर उनकी फ़ोटो लगी हुई है, जय भीम लिखा हुआ है। ये बाईं तरफ गांव है। इस तरह से बता रहा हूँ कि हर गांव के सामने कोई ना कोई सिंबोलिज्म आपको मिल जाएगा। एक ऑरेंज कलर का फ्लैग रहता है। अगर आगे आता है तो मैं ट्राई करता हूँ किसी लोकल से पूछने का। वो रहा, ये शिवाजी महाराज का है, यहाँ देख सकते हैं। हर गांव में ये है, महाराणा प्रताप का है, जब किसका मैं पूछता हूँ। हाँ, महाराणा प्रताप, बिल्कुल। तो यार तीन चीज़ें मुझे बहुत मिली हैं। जहाँ तो महाराणा प्रताप, उन बहुत ज़्यादा उनके फ़ोटो और ऑरेंज कलर के मिल जाएंगे, कोई ना कोई मोनूमेंट बना हुआ गांव के बाहर। उसके बाद आता है अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, उनके कोई ना कोई मोनूमेंट फ़ोटो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। फिर शिवाजी महाराज, एक ही गांव में मुझे तीनों दिख गए। तो जो सिंबोलिज्म यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा, हर गांव में, और इसकी वजह पॉलिटिकल भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है। दाईं तरफ भी एक फ्लैग है, महाराणा प्रताप की मूर्ति है, आप देख रह सकते हैं तो कुछ नज़र आए तो। तो जी, हम बिदर सिटी में पहुंच चुके हैं और समय हुआ 1:10। तो अगर हम देखें तो नंदेड़ से 4 घंटे में ही लगभग पहुंच गए हैं। बीच में एक स्टॉप भी मारा था 40-45 मिनट का। रास्ता ख़राब था, तो अगर वो नहीं होता तो 3 घंटे का ही रास्ता है। सामने एक पहाड़ी के ऊपर छोटी किला नज़र आ रहा है, बिल्कुल खंडर बन चुका है ये, बाईं तरफ निकल गया। तो शहर है जो जैसे पहाड़ी शहर होते हैं ना, कोई ऊपर कोई नीचे, वैसे बसा हुआ है। यहाँ बिदर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज बिदर। वहाँ पे अपने नॉर्थ के बहुत लोग, ख़ासतौर पंजाब से भी बहुत लोग इंजीनियरिंग करने आते हैं। मेरे कुछ यार मित्र हैं, उन्होंने भी यहाँ से इंजीनियरिंग करी है। अरे हम गलत मुड़ गए, हमें बैक जाना है, बैक जाना है। गूगल की एक शैतानी होती है, अगर आप गलत टर्न ले भी लो, ये कहीं ना कहीं आपको घुमाकर रास्ता दिखा देगा। मैंने गलती से दाएं की जगह बाएं ले लिया बातों बातों में, और गूगल ने रूट वो बदल कर उसी तरफ से दिखा दिया।